संतोष जी गुप्ता ये इस एल्बम के डायरेक्टर हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना इतना क्रिएटिव अपनी क्रिएटिविटी से हमें इतना साथ दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. एंड फ्यू पीपल हैव नॉट कम, उनका भी हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं. All right, Santosh sir, please put your hands together, everyone. He's the director. Very warm welcome to you. Very very warm welcome to you too. And बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. And अब वक्त हो चला है कि इतनी मीठी और सुरीली आवाजों में जिन्होंने आज इस म्यूजिक लॉन्च में अपनी आवाजें दी हैं और रादर हमारे साथ हमारी टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं. आप सबको देख सकते हैं ये पूरी टीम है और म्यूजिक लवर हैं बहुत बड़े. एंड आई एम द सेम आई the biggest music lover I'm here. And अब मैं चाहूंगी कि सुनील जी क्यों ना आपकी आवाज से थोड़ा हंसते खेलते अपना खून बनाते हुए इस इवेंट को आगे प्रोसीड करें. एवरीबॉडी डू यू उपस्थित सभी मीडिया के भाई बहनों, सॉरी बहनों गलती से निकल गया, आप सबका तहे दिल से स्वागत है क्योंकि ये मुझे लगता है कि साहिब आलम की नहीं बल्कि हमारे खुद की घर की महफिल है, आप सबके घर की महफिल है. और ये जो गाने इन्होंने मेहनत से बनाए, साथ में भाभी भी खड़ी है, इन दोनों की खासियत है कि गाने अच्छे बनाता है और वो खाना अच्छा बनाती है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है. और आप सब लोग जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं इस 11 गानों को आशीर्वाद देने के लिए, और यहाँ पर सब सबके सब बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय हैं. और ये जो हमारी एंकर साहिबा है इनके लिए मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही है और बहुत फेमस है ये, आज बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है. क्या नाम है आपका? सीमा, सॉरी माँ, इस नाम में सीमा है ना इसलिए बच्चा बच्चा जानता है. और पल्लवी जो है इसको मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही टैलेंटेड है, ऐसा ऐसा खुद का मानना है, पर अब हम भी मानने लगे हैं. बहुत अच्छा काम करती हैं, पल्लवी की फिल्म आ रही है. और सभी के लिए मैं बारी बारी कहता रहूँगा, मैंने आलम से कहा था कि मुझे ही एंकर रख लो, तो इन्होंने मुंह पे कहा कि हमको एंकर चाहिए, भयंकर नहीं. तो आज ये सुंदर सुंदर चेहरों के साथ में काम शुरू हुआ है. गाने बहुत ही प्यारे बने, आप सबने सबको बारी बारी सुनाई देंगे ये गाने, और बहुत ही अच्छे गाने हैं. और आज वो मुबारक दिन आ गया है इसको हम रिलीज़ करने जा रहे हैं. तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने कीमती वक्त निकाला इस गाने को आप जितना आशीर्वाद दे सके, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से किसी भी कलाकार को स्टार बनाया जा सकता है. आज बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, सिवाय मीडिया के बड़ा नहीं बन सकता. आप तो मीडिया के लिए जोरदार तालियां प्लीज, जितने मीडिया वाले हैं सब जोरदार तालियां, कि मीडिया के बिना कोई नहीं बन सकता. आप सब मीडिया वालों के लिए हम कलाकार की तरफ से एक ही गाना गाना चाहूँगा, पल्लवी. प्यार कभी कम नहीं करना, प्यार 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 कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आर्टिस्ट वरना, इतना कर्म कर लेना. माँ कसम मीडिया वाले जो रिस्पॉन्स दे रहे मेरे कॉमेडी पे, अगली बार जब कपिल का इवेंट होगा तो यही रिस्पॉन्स देना उसको, मैं चाहता कि वो अपना धंधा बदले. हाँ जी, और मैं एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा जो आलम ने मुझे भी याद दिलाया कि हमारे आदरणीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जैसे कि आप सबको पता है कि दुखद खबर उनको पता चली कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे बीच में नहीं है, तो एक मिनट के लिए आप जहाँ भी बैठे हो खड़े हो जाइए, एक मिनट का मौन व्रत रख के हम उनको उस महान आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देंगे. हालाँकि मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं नहीं गए, वो रिन्यू होने गए, दोबारा से फिर वापस आएंगे, और वो अटल नाम की तरह अटल है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, अटल है वो, दोबारा वापस आएंगे और फिर से हमें नया मार्ग देंगे, मार्गदर्शन करेंगे. लेकिन फिर भी उनकी का उनकी आत्मा हमारे साथ, उनके विचार हमारे साथ में, शरीर के लिए हम एक मिनट के लिए मौन व्रत धारण कर सकते हैं. प्लीज सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़िए, एक मिनट के लिए खड़े हो जाए. Thank you.
धन्यवाद। एक जयकारा भी हो जाए कि मैं कहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी आप कहना अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। वाकई मैं कहना चाहता हूँ सच्ची सच्चे दिल से, मेरे दिल से बात निकल रही है, बीजेपी ने अपना पिता खोया है और भारत माँ ने अपना बेटा खोया है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं नहीं गए, अटल हमेशा अटल रहेंगे, वो हमेशा इस धरती पर सटल रहेंगे। जोरदार तालियां उनकी आत्मा के लिए, और हम सब उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं कि पल्लवी जो हमारी बहुत ही सुंदर एंकर हैं, असल में ये मेरा काम नहीं उसका काम है, और इतनी सुंदर हैं, जितनी सुंदर है उतनी सुंदर वो भाषा भी बोलती है, उतनी सुंदर तरह से अपने परफॉर्मेंस भी करती है। अभी हाल ही में इनकी रोमांटिक फिल्म आने वाली है, आना ही है, ऐसी लड़की सब कोई हॉरर फिल्म तो करेगा नहीं, रोमांटिक ही फिल्म करेगा, तो रोमांटिक फिल्म की हीरोइन रोमांटिक अंदाज में आपके सामने इस 11 रोमांटिक गानों को पेश करने के लिए जा रही है। जोरदार तालियां पल्लवी शेट्टी। क्या करें, पल पल आपके पास ही रहती हूँ। जब दोस्त अपना इंट्रोडक्शन करता है तो बहुत अच्छे तरीके से करता है। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर मीडिया फ्रेंड्स, एंड हियर आई बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस आवर म्यूजिक एल्बम। थैंक यू आलम जी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि ये जो जिसके लिए हम सभी यहाँ मौजूद है, द टाइम इज हियर, यस वी आर अबाउट टू लॉन्च द फर्स्ट लुक ऑफ दिस म्यूजिक एल्बम, एंड आई होप दैट यू ऑल शावर योर लव एंड ब्लेसिंग्स टू इट। कैन वी हैव द प्रोमो प्लीज? I guess we all are set and geared up for this one. पांच सात मिनट प्रोमो के लिए लगेंगे, तो 11 गाने हैं। ये देखो, ये एक है और ये दूसरा एक है, ये 11। ये लोगों ने प्लानिंग करके किया, ये 11 है और ये हम दोनों को हमको बहुत प्यारा है। पल्लवी जी, एक शेर अर्ज करना चाहूंगा पल्लवी पे जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। माने सर, इजाजत है सर? जूनियर महमूद साहब के लिए जोरदार तालियां। अब ये जूनियर कहाँ है, अब तो सीनियर महमूद हो गए। बचपन से हम इनको देख रहे हैं, अब ये खुद 55 के हो गए। कुछ कम बोला हमने, ज्यादा ही है? ज्यादा। रियल एज बताइए। 62 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लग रहे हैं कि जैसे वही नहीं, उनको उल्टा कर दिया। 62 में इनकी एंट्री जो हुई थी ना, हाँ 26 साल के लग रहे हैं। 26 साल के तो कुछ कहना चाहिए सर आज इस मौके पर? मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये छोटे भाई का फंक्शन है, आपका हमारा सबका फंक्शन है ये, और 11 गाने करने की इन्होंने जो कोशिश की है उसे मुझे यकीन है कि पूरी कामयाबी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी लगन बड़ी मेहनत से इन्होंने किया। मुझे यकीन है कि आप सब दिली दुआएं देंगे इनको और इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट आलम भाई, ऑल द बेस्ट। बहुत कम लोगों को पता है सुनील पाल जी कॉमेडी और शेरो शायरी के अलावा अब बहुत अच्छा गाते भी हैं, और हेमंत जी भी यहाँ मौजूद है जो सिंगिंग इंडस्ट्री में कहते हैं शोमैन है, तो एक झलक हो जाए। एक गाना रिलीज हुआ, ये लीजिए, मौके पे चौका मारी लेते हैं। मेरी फिल्म आ रही है विग बॉस, विग मतलब विग पहनने वाला टकला आदमी, गंजा आदमी। विग बॉस फिल्म आ रही है, कॉमेडी फिल्म है, आपको जरूर देखना है, इसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और आप सबकी चहेती मीडिया की खास बेटी राखी सावंत उस फिल्म में है, आपकी बेटी है, आप पता कर लो कहाँ पैदा की थी आपने उसको। कई बार बोलती मैं मीडिया की बेटी हूँ, तो माँ परेशान है तो हम लोगों ने क्या किया है। और ये हमारे विश्वजीत है, प्रेम चोपड़ा, भाभी जी घर पे हैं, मैं देखते हैं आप, ये भाभी जी के रियल देवर हैं प्रेम चोपड़ा, जो भी काम करते हैं प्रेम के साथ करते हैं, तो आलम साहब के लिए आज कुछ प्रेम से कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग तो जानते हो मैं कितना शरीफ इंसान हूँ, इसीलिए जो भी काम करता हूँ प्रेम से करता हूँ और प्रेम से ही निकल जाता हूँ। तो मैं आज आलम भाई को मुबारकबाद भी दे रहा हूँ, तो प्रेम से ही दे रहा हूँ कि ये आपका एल्बम बम से भी ज्यादा फटे। और जोरदार तालियां हमारे मीडिया वाले जितने दोस्त हैं उनके लिए भी जोरदार होने चाहिए। विभूति, थैंक यू। और माले साहब दूसरे तरफ नहीं कुछ कही, संगीत का ये जो समारोह है 11 एल्बम, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ एक एल्बम पूरा करने में लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, ख्वाब होता है किसी का कि मेरा एक एल्बम बन जाए, वहाँ इन्होंने 11 एल्बम बनाया, बहुत बड़ी बात है। इनसे मुझ जैसे छोटे आदमी को ज़रूर प्रेरणा मिलेगी और उसी राह पे चलने का हम भी कुछ सोचेंगे कि हाँ इस तरह से कुछ हम भी कर पाए। संगीत के बारे में अगर हम कहेंगे तो संगीत
तो हर एक के लिए जीवन धारा है, इसके बिना तो जीवन पूरा अधूरा है। अगर जिंदगी में खुशहाली, बहुत सारी तालियां से मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत करें, जोरदार तालियां। ये ऐसा काम है, ये क्रिएटिव काम है, और उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए। डिजाइन, ये गाने बनाने, लिखा इन्होंने है, गानों को पे एक्टिंग इन्होंने की, इस पे कपड़े इन्होंने डिजाइन किया, और यहाँ तक कि जो पोस्टर देख रहे हैं ये भी इन्होंने डिजाइन किया। ये एक जुनूनी आदमी कर सकता है, एक दीवाना ही कर सकता है। तो मुझे लगता है इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, आलम साहब के लिए, और भाभी के लिए इसलिए तालियां क्योंकि करने दिया। मैं तो अपनी पत्नी से कहता हूँ, सुनो 5 रुपए को खरीद लो क्या? 5 रुपए, खबरदार 3 रुपए में खरीदो। तो पत्नियां कभी कभी सही भी है, होती है, लेकिन एक दीवानेपन को सपोर्ट करने वाली जो पत्नी होती है वो वही, उसी की वजह से आदमी हिम्मत कर पाता है। तो मुझे लगता है इस जोड़ी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां जोड़ी के लिए। और बाकी सब आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। जहूर आलम कहाँ पर? जहूर आलम साहब, बहुत ही मीठी धुनें आपने बनाई, मैं गलत नहीं तो आप कंपोजर हैं, है ना? ये कंपोजिशन इन्हों की है, इन्होंने गानों की कहीं भी पोजिशन कम नहीं होने दी, कम पोजिशन नहीं होने दी, अच्छी कंपोजिशन की। रफीक राजा जो है, जहाँ कहीं भी हो, रफीक राजा जल्दी आ जाए। रशीद भाई उनके छोटे भाई हैं, बड़े भाई, हालांकि छोटे लगते हैं रशीद भाई। तो ये सब हमारा परिवार है, जोरदार तालियां इनके लिए। और आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें इन गानों को सुनने के बाद, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बवाल हो, कोई सुनील पाल हो, तो आप सब कर सकते हैं। सारे पत्रकारों का स्वागत है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो आप लोग वक्त निकाल कर आए, बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, लेकिन आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ना प्रेस को मैं बहुत मजबूत मानता हूँ, प्रेस क्यों कर रहे हो? ये जो म्यूजिक लॉन्च हुआ है ये है अकील, यानी एस आलम, मोहम्मद अकील अंसारी, अकील अंसारी। सब रेडी भाई? इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं। मुबीन सौदागर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जहाँ जहाँ सौदा किया जाता है वहाँ सौदागर का नाम लिया जाता है। प्यारे हमारे मुबीन हमेशा मुंह के बिना आते, लेकिन यहाँ पर मुंह के साथ में आए, ऐसे सारे जोक्स करने पड़ते हैं आजकल। आलम के बारे में क्या कहूँ, पूरी दुनिया, पूरी आलम जिनको जानते हैं। म्यूज़िक इनका है, इन्होंने म्यूज़िक एल्बम बनाया है, लिखा भी है, एक्टिंग भी की है, और कॉस्ट्यूम भी इन्होंने बनाया। हमारी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो साहिब आलम, एस आलम ना, मोहम्मद अकील अंसारी। एक्चुअली इनको प्यार से आलम भाई हम लोग बोलते हैं, तो असली नाम हमें अभी तक नहीं पता था। यस, आज मालूम पड़ा, आज मालूम पड़ा है। हाँ, तो आज ठीक है। और जूनियर महमूद साहब को कौन नहीं जानता, जी जी जी। अब मैं इनको प्यार से सीनियर महमूद कहता हूँ, जी जी जी, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन। नवीन प्रभाकर से जोरदार तालियां, द वन एंड ओनली नवीन प्रभाकर। और हमारे कमाल साहब, सुनील भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे, गाने आपको कैसा लगा, और 11 जो आंकड़ा है उसके बारे में, 11 का 11 है। 11 जो है हमारे हिंदुस्तान में बड़ा शगुन माना जाता है, चाहे वो जी 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 संगीत भी एक पूजा है, म्यूजिक भी एक पूजा है। तो अगर हम उसको पूजा भी से भी रिलेट करें या संगीत से भी रिलेट करें, तो मुझे लगता है 11 का आंकड़ा बहुत शगुन है। हमारी क्रिकेट की टीम भी 11 लोग ही होती है, तो मुझे लगता है कि ये जो 11 जो है ये 11 मुल्कों को बहुत पसंद आएगा। 11 मुल्कों के 111 हाँ जी। ये भी एल्बम ही बहुत कम बनते हैं, और एल्बम का एक दौर था कि काफ़ी एल्बम बनते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो एल्बम कम बनते हैं, मैंने कहा कुछ ऐसा करें कि 11 एल्बम 11 सिंगर। फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 11 गाने 11 सिंगर और 11 के 11 एल्बम शूट हुए, और जाके आउट ऑफ बॉम्बे शूट किया, जैसे चाइना के बॉर्डर हो गए, इलाहाबाद हो गए, दिल्ली हो गए, और मुंबई में, और बहुत ही सभी जितनी टीम थी सभी लोगों का काफ़ी साथ था, और बहुत ही अच्छा था, सब लोगों ने कॉपरेट किया, और एक अच्छा अब आप बाकी सब लोग के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर। उनका सवाल है कि आपने 11 सिंगर्स को कैसे कन्विंस किया, 11 सिंगर कन्विंस दिया या पेमेंट दिया, क्या दिया? 11 सिंगर को क्योंकि ममता जी को मैं जानता था बहुत पहले से, ममता शर्मा, क्योंकि उनके साथ मैं मिमिक्री ऐसे आर्टिस्ट जो शो कर चुका हूँ, कॉस्ट्यूम भी करता था, और
इस उनको एक फ़ोन किया मैंने कि ऐसा ऐसा एल्बम है, और उस टाइम ममता जी काफ़ी मतलब एल्बम वगैरह गा नहीं रही थी, जिन्होंने मुन्नी बदनाम हुई फेविकोल वगैरह, तो उनको फ़ोन किया, बोले आलम एल्बम है तेरा कब गाना है, तो मैं बोला फला फला, बोले आगे गा दिया। और सचिन जी को एक बार ही बोला, सचिन जी ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला, सब बनाए सभी से अच्छा, सब लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया, और एक खुशी होती है कि वो चीज़ कंप्लीट हो गई और आज जो है रिलीज़ हो गई, शेमारो कंपनी ने उसको रिलीज़ किया और सभी लोगों का साथ रहा है, और आज यहाँ पे भी सभी लोग मेंशन करना चाहूँगा कि आलम भाई का नेचर इतना अच्छा है, इतने प्यारे इंसान है कि कोई इन्हें मना नहीं कर पाता किसी चीज़ के लिए, और इतना अच्छा काम कर रहे थे तो हर कोई इनसे प्यार करता है, हर कोई इनके साथ काम करना चाह रहा है, अभी बड़े काम कर रहे हैं तो बड़े काम में भी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक आलम भाई। म्यूज़िक का क्योंकि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ, फ़ैन रहूँगा, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा सिंगर नहीं, और म्यूज़िक में मैं रहमान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रहमान ए आर रहमान साहब का, तो रहमान साहब का रोज़ा में और ये अभी आई जब तक है जान, काफ़ी सॉन्ग जो उनके सुने और सुन के जो एक होता है ना कि इंस्पिरेशन, हाँ लिखने की आगे, और गुलजार साहब की वर्डिंग मुझे बहुत पसंद है, गुलजार साहब जी, जो गुलजार साहब की सोच है, चप्पा चप्पा चरखा चले, इब्ने बतूता बगल में जूता, ये सब उनकी जो सोच है एक अलग ही सोच है, तो उनको देख के थोड़ा उनके गाने सुने, काफ़ी जो कोशिश किए, फिर उसके बाद एक कोशिश किया, कोशिश जो आज जो है कामयाब हुई। आलम भाई का हिंदी एल्बम है और उसमें सीमा से गुजरी का तड़का लगा हुआ है, उसके पीछे कोई देखिए हिंदी एल्बम है तो सीमा सिंह भोजपुरी का तड़का लगा, लेकिन इससे पहले ये एल्बम दिखा के गोविंदा की फिल्म किया था सीमा सिंह ने, हीरो गोविंदा की लो आगे हीरो, लो आगे हीरो। हाँ, तो इससे पहले उन्होंने काफ़ी हिंदी में काम किया, और सीमा सिंह अच्छी फ्रेंड है मेरी, और परफॉर्मर अच्छी है और डांसर अच्छी है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका, क्योंकि 7 ईयर्स में 750 सॉन्ग उसने आइटम सॉन्ग किया, अभी तक किसी ने नहीं किया। वाह वाह वाह। सुनील जी, अटल जी आप याद कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए अटल जी के बारे में? एल्बम का दौर, एल्बम का क्या दौर है, बिजनेस वाइज अगर देखने जाओ तो डेफिनेटली आपने पैसे लगाए आलम, कुछ उसका रिटर्न भी देखे होंगे या फिर शौक के तौर पर क्या एग्जैक्टली? देखिए, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि दौर तो किसी चीज़ का भी नहीं होता, सारे दर्शक माए बाप होते हैं, दर्शक जिसको समझ में, दर्शकों की समझ में जो आ जाए, चाहे वो एल्बम हो चाहे वो डांस हो, दर्शक दौर बनाते हैं, वैसे किसी का दौर नहीं होता। तो राजेश खन्ना साहब के अंदाज में कहना चाहूँगा कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें इस दुनिया में कुछ रहता नहीं, इज्जतें शोहरतें उल्फतें इस दुनिया में कोई रहता नहीं, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। तो दर्शक जो है वो दौर बनाते हैं। आपसे जानना चाहते हैं आलम, एक एल्बम बनाना, फर्स्ट एल्बम मैंने, पहला एल्बम जो मैंने सॉन्ग जो मैंने लिखा था जावेद अली का, तू जिंदगी है मेरी, जावेद भाई को सुनाया, जावेद अली साहब को बहुत पसंद आया, और फिर जब पहले गाने अच्छे बने तो काफ़ी लोगों ने तारीफ की कि अच्छा लिखते हो, और सब अच्छे से हुए। हाँ, अटल जी हमारे आदरणीय अटल जी, हाँ जी, आदरणीय अटल जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और काफ़ी साहित्यकारों के और अच्छे विचारों के प्रेरणा स्रोत, आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मैं चूंकि उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि अटल जी कहीं नहीं गए, उनका नाम अटल है, और मृत्यु का दूसरा नाम अटल होता है, तो वह मृत्यु अटल है, अटल जो है मृत्यु है, तो मुझे लगता है कि वो दुनिया में हमेशा अटल रहेंगे, यहीं सेटल रहेंगे, वो कहीं अगर शारीरिक रूप से गए भी हैं तो वो सिर्फ रिन्यू होने गए, फिर से वापस आएंगे, अपने विचारों को लेकर आएंगे, अपने कविताओं को लेकर आएंगे, अपने साहित्य को लेकर आएंगे, और फिर से वही भूचाल मचाएंगे। फिलहाल इस बात का दुख तो है कि बीजेपी के पिता और भारत माँ के पुत्र शारीरिक रूप से हमें छोड़कर गए, लेकिन दोबारा फिर वापस आएंगे। इसी अंदाज में मैं कहता हूँ कि हर शख्स अपने गम में खोया है, अटल जी के अंदाज में कहना चाहूँगा, क्योंकि हम तो उनके फैन भी फैन है, और हम अपना हमारा अंदाज है, हमारी श्रद्धांजलि है।
फिर एक बार कहना चाहूँगा, कहीं गए नहीं, अमर है वो। हर शख्स अपने गम में खोया है, भाई बहनों, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं है वो कब्र में सोया है। क्या बात। तो इस दुनिया में हर किसी के पास गम है, हर किसी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन अटल जी दोबारा ज़रूर वापस आएंगे, वो हमेशा अमर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद अटल जी, आप हमेशा हमारे बीच ही हो, हमारे विदिन हो। लव यू जी। अटल जी के बारे में प्रेरणा दिए लोगों को, और बड़े रहे हैं और बड़े बड़े ही होते हैं, और हम तो बहुत छोटे लोग हैं उनके बारे में वो कहने के लिए भी। अलबत्त यह कि चूँकि हम भी नागरिक हैं, हम यहाँ के वतनी हैं, और हमें उनसे जितना प्यार है वो महसूस किया जा सकता है। ज़बान पे लाकर उसकी कोई मकदार कम करना मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि इतने बड़े आदमी के लिए मुझे से नाचीज़ का बोलना शायद मज़ा नहीं आएगा मुझे बोलने में, वो बात बनेगी नहीं जो जितनी बड़ी शख्सियत वो हैं। तो दुख की बात है, और जैसे भाई ने कहा कि मौत बरहक है, कल हमारा भी वक्त आएगा ऐसा, लेकिन शायद हमें इतना याद नहीं करें लोग जितना अटल जी को याद करेंगे। थैंक यू। नवीन भाई आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अटल जी हमारे सार्वभौम हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 93 साल के आयु में सारा का सारा जीवन उन्होंने हिंदुस्तान को कुर्बान कर दिया, और सही मायने में उन्होंने स्वतंत्रता को अपनी आंखों से देखा, अपने जीवन को सींचा है। तो मेरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे प्रभावी और आज के हमारे अभावी अटल जी आज हमारे बीच नहीं है, इसका हमें पूरा पूरा खेद है, और हम बहुत सारे कलाकार मिलके उनके उनके नाम पर, उनके सैक्रिफाइस पर हम मौन रखना चाहते थे, लेकिन कई लोगों के SMS और मैसेजेस हमको आए कि यार इस वक्त में हम लोग सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन हमारे आलम भाई का प्यार है, सारे कलाकारों ने एक SMS तो उनको कर दिया, और चाहे हम देखो रीजंस हम भले कितने ही बताएं, लेकिन चीज़ें तो हमारे सामने हैं, तो हम सेलिब्रेशन नहीं, हम उनको विशेष करने आए हैं, और हमारी सारी खुशियां इनके साथ है, और देश के सार्वभौम भूतपूर्व प्रधानमंत्री आज हमारे बीच नहीं रहे, उसका हमें दिल से खेद है। थैंक यू सर। मुबीन, मैं यही कहूँगा कि अटल जी नहीं रहे हमारे बीच में, इस बात का दुख है, लेकिन उनके विचार जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं, उनके विचार हमारे बीच है, ये हमारे लिए बड़ी बात है कि हम उन्हें पढ़ के, आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अटल जी के लिए बस श्रद्धांजलि दिल से देना चाहते हैं सभी लोग मिलके। सुन लेते हैं इनकी आवाज़ में जिनका इंतजार था, सो प्लीज से सम वर्ड्स टू एस मन्नत प्रोडक्शन एज वेल। आलम सर के सपोर्ट के लिए कुछ बोलना चाहेंगे सर? शुक्रिया बहुत बहुत, आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया, लगेगा कि आप मिलकर देते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को हमारी तरफ से दुआएं, मुबारकबाद, और देखिए इंडस्ट्री के साथ के लोग होते हैं, तो जो भी फनकार होते हैं, नए आते हैं लाइन में, इंडस्ट्री में, हमारी यही दुआ होती है कि सबको कहीं ना कहीं अल्लाह नवाजे, और जो भी उनका फन है वो फन में आगे बढ़ें और उसमें कामयाब हों। तो हमारी दिल से मतलब मुबारकबाद के साथ साथ एक दुआ भी है, और उससे ज़्यादा हम कुछ दे नहीं सकते हैं। और जो भी फनकार जुड़े हुए हैं आपके लेवल से और ब्रांड से, हम यही है कि आगे बढ़ें और आपका ब्रांड भी सक्सेसफुल हो और आपके आर्टिस्ट भी सक्सेसफुल हो। नवीन, क्या कहूँ कि बहुत बहुत मुबारक आपको आलम भाई, और आपका ये जो कदम है ये कामयाब, ऑल द बेस्ट। नावेद भाई आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने से लाइट और बढ़ गया, बिल्कुल रिफ्लेक्शन मिल रहा है। अरे सर, अच्छा जावेद जी, आपने काफी डांस देखा है, काफी गाना देखा है, ये जो 11 गाना लॉन्च हुआ है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? एक साथ 11 गाने लॉन्च किए, एक नई बात है, एक
मतलब दम चाहिए कि भाई इतने साल नॉर्मली एक एक करके लोग लॉन्च करते हैं, बट आई थिंक एक वैरायटी एक साथ एक पैकेज में प्रेजेंट की है तो पब्लिक के लिए भी एक होता है कि एक पर्टिकुलर लेबल से ये वैरायटीज मिलती हैं। एक क्लेवर एक जो कहते हैं वेल थॉट ऑफ एक स्ट्रैटेजी कहेंगे आपके, भाई हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम किस किस्म का म्यूज़िक देते हैं, बनिस्बत ये कि आप एक लॉन्च करें फिर दूसरा करें। आजकल पब्लिक का टाइम नहीं है, जो मिट्टू डाने बहुत पहले बोलता पब्लिक के पास टाइम नहीं है। और नहीं, और 11 गाने एक साथ भी किए कि बाद में को 11 पार्टी देनी पड़ती है अलग अलग करके। हाँ वो हाँ एक साथ में ये, ये आप ये जो खर्च की बात होती है ना, ये आप बहुत सही बात है। दुखती रख पे प्रोड्यूसर के हाथ डाल दिया आपने। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहते हैं 11 गाने आज लॉन्च हुए। जी जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कोई अच्छी बात है? 11 गाने क्या है कि जावेद भाई ने बोला कि लोगों के पास टाइम नहीं है, एक बार साथ 11 कह रहा एक बार एक साथ में सुन लो और उसमें चूज़ कर लो क्या अच्छा है, जिसको जो पसंद है वो सुने। और 11 की टीम भी अच्छी है, क्रिकेट टीम होती है, 11 प्लेयर होते हैं। सर अगर बात करें तो डांसिंग की, तो डांसिंग में हमको चॉइस करना पड़ता है, अब तो 11 के 11 गाने हैं तो क्या चॉइस करेंगे? जो अच्छा है वही चॉइस करेंगे ना। अब हमारी चॉइस अलग है, उनकी चॉइस अलग है, किसी कुछ चॉइस है, किसी कुछ चॉइस है। बस आप रेस्टोरेंट में जाते हो, एक मेन्यू आता है, उसके इतने खाने होते हैं, अब बोलोगे सर आप क्या चूज़ करोगे? जिसकी जो पसंद होगी चूज़ करोगे, लेकिन एक मेन्यू तो है, यहाँ पे इनके पास एक मेन्यू है, तो जिसकी जो पसंद है उस हिसाब चलेगा। जिस मूड में आपको सुनना है, रोमांटिक मूड है, डांस का मूड है। जावेद से देखा जाता कि जो अभी की जो यंग जनरेशन है उनके म्यूजिक के बारे में क्या कहना है आपका, कितनी टैलेंटेड निकल रही है? नहीं, टैलेंट तो क्योंकि यार हर सदी में हर जनरेशन में टैलेंट होता है, चेंज हो जाता है। आपको जो पसंद है आज वो कल आपके बच्चे कुछ करेंगे, वो आप बोलेंगे यार ये क्या सुन रहे हो। तो ये तो भाई दस्तूर चलता आ रहा है सदियों से कि आपकी जो पसंद है फिर कल को उनकी पसंद है, एंड वी हैव टू अडैप्ट, जो कहते हैं री इन्वेंट करें अपने आप को कि साथ में चलें, वक्त के ज़माने के साथ में चलें। तो आई थिंक ज़माने के साथ चलना ज़रूरी होता है। एंड हाँ, गंदगी ना हो, लिरिक्स की खास ज़्यादातर होती है एक 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 और एक म्यूज़िक में, और हमारा कल्चर में बहुत रिच है हमारा म्यूज़िक, क्योंकि मेलोडी है इंडियन कल्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग मेलोडी है, और उसका इस्तेमाल अगर क्लासिकल बैकग्राउंड होता है हमारे यहाँ तो बहुत एक बहुत फ़ायदा होता है उसमें। यू नो बनिस्बत है कि आप ऐसे आ गए और कुछ बजा दिया, बट आई थिंक बैकग्राउंड रखना, ट्रेनिंग रखना बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आई देखा जाए तो क्रिकेट गानों की याद दिलाते हैं या पुराने, अब देखिए यार पुराने गाने क्लासिक थे। अब आप एक आई थिंक फ्रॉम द 60s टू द 80s गोल्डन एरा आप समझिए उसका म्यूज़िक का, और वो गाने अब घुमा फिरा के रीपैकेज करके रीमिक्स करके किए जा रहे हैं। तो हर फिल्म में रिमिक्स हो रहा है आजकल कोई ना कोई गाना, तो वो अच्छी बात है। उन आज की आवाज़ में वो धुन सुनना चाहते हैं, आज के कॉम्पोजिशन उस कॉम्पोजिशन को पैकेजिंग आज का कर दिया ना, लेकिन उसका। अरे हाँ भाई, बहुत बुजुर्ग लीडर थे हमारे, और आई थिंक बहुत रिस्पेक्टफुल, एक अच्छा बैलेंस संतुलन पॉलिटिक्स में बना के रखा था उन्होंने, कि एक आई थिंक एक बड़ा लॉस है इंडियन पॉलिटिकल सीन को, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है इससे। कौन से वाले? अटल जी के लिए जी, बिल्कुल। जब जावेद ने कहा, बहुत उन्होंने बहुत काम किया है हमारे हिंदुस्तान के लिए, और हमारे लीडर भी रह चुके हैं, और आज जो हो रहा है क्या कहूँ उसके बारे में, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया है, और एक लॉस बहुत बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा, अटल जी ने हमेशा जोड़ने की बातें की थी, जितना आपने देखा होगा जब वो अपने उनका टर्म था तो हमेशा जोड़ने की बातें करते थे, तोड़ने की बातें नहीं करते थे। इवन पाकिस्तान से रिश्ते की उन्होंने बहुत कोशिश की थी, एंड वो काबिल तारीफ है उनके लिए, एंड वो एक बात याद है। इंडियन कल्चर हमेशा बरकरार रखा है इंडियन, जो अटल जी ने अभी तक तो कोई पार्टी में ऐसा कोई है कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल बना दिया आपने यार, इधर हम गाने के सुना है तो मैंने कहा, देखिए अच्छा देखिए कोई भी चाहे वो कलाकार हो या पॉलिटिकल, जिसने देश की खिदमत की है अपनी तरफ से और अच्छा बनाने की कोशिश की है देश को, उस भावनाओं का हमको वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, एंड आई थिंक वो एक लॉस, डेफिनेटली लॉस। एक मोमेंट था, आपने तो काफ़ी इंडस्ट्री में काम कर चुके, तो कौन सा मोमेंट था जिसको हम उनको याद कर सकें? बस वही मुझे तो बस याद है वो यार, वो जो बस की थी उन्होंने, और किसी के बस की बात नहीं थी, वो उनके बस की बात थी, वो बस जो चलाई थी उन्होंने, बहुत एक कोशिश थी यार, बहुत अच्छी कोशिश, प्यार की कोशिश थी। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भाई, साथ में मिलके चलो, जो साथ में लेके चले वो अच्छा है, जो तोड़े वो बस के चलते। बाहर से कुछ सिंगर यहाँ पर आए थे, वो अच्छे शायर भी थे। हाँ जी, बाहर से कुछ लोग आए, टैलेंट कहीं से भी आओ यार, हिंदुस्तान तो ऐसा देश मुल्क रहा है, सब लोग बाहर से आए, कौन किधर का यार? आप बोलेंगे 500 साल पहले वो आया था, 1000 साल पहले,
बस के जरिए से ना। तो मैंने कहा ना, देखिए कलाकार एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टैलेंट की कोई सीमाएं नहीं बनानी है, पॉलिटिकल सीमा नहीं होती है। टैलेंट कहीं भी चला जाता है, टैलेंट प्यार से आता है, टैलेंट एक अलग, एक उसकी एक कंट्री अलग होती है, उसकी एक दुनिया ही अलग है। टैलेंट की कोई वो दरारें नहीं होती कि मेरा ये तेरा ये तेरा, सब मिलके आई थिंक वही खूबसूरती और ब्यूटी होती है टैलेंट की, कि वो मिलजुल के ये जो आवाज़ और साउंड निकलता है। देखिए हमने रफ़ी साहब को प्यार किया, किशोर साहब को प्यार किया, आज के नए सिंगर उनको प्यार किया, हमने माइकल जैक्सन को प्यार किया, हमने मडोना को प्यार किया, हमने वहाँ के सिंगर, दुनिया के कितने सिंगर हैं आज डीजे आ रहे हैं, वो अच्छा म्यूज़िक बजा रहे हैं, आज के बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं। तो ये टैलेंट है, इसको आप रोक नहीं सकते। आवाज़ आएगी, आज इंटरनेट आ गया है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, जो पसंद है वो पसंद है। थैंक यू सर।